तो अभी हम जा रहे हैं सामर्थ की एक मीटिंग है, सामर्थ के लिए शूट का मीटिंग है। अभी हमें पूरी जानकारी है नहीं, तो जो भी होगा हम बताएंगे आपको। अभी फिलहाल हमें किसी ने बुलाया मीटिंग के लिए, और आगे जो भी होता है हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, बाय। 2 hours later. A few moments later. अभी अभी हम बाहर निकले शूट करके, और यहाँ पर इसी ऑफिस में शूट था। और बाहर निकले, बाहर बारिश हो गई। बाहर बारिश हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर यहीं पर गए टाइम स्पेंड करते हैं, कि हम वैसे ही बाइक पे आए हैं तो बाइक पे हम भीग जाएंगे। हाँ, हाँ पापा। क्या सैम? अभी हम यहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यार, बारिश में वहां तो जाने से रहे, वहां जाना तो बेवकूफी होगा ना। तो यहाँ तो टाइम अच्छा था स्पेंड हो जाएगा अपना यार। हैं? ला मुझे हेलमेट दो, हेलमेट दो। ऊपर क्या करोगे? वो नीचे बेटा, वो आने का है, चढ़ ही नहीं पाओगे। तो काफी अच्छा मॉल है ना समर्थ। क्या कर रहे हो? ऊपर जाना है? चलो हाय समर, हाउ आर यू? तो वाकई में ही अच्छा माहौल है इस मॉल का, आ सकते हैं आप। सेम यहाँ तो सिनेपोलिस भी है यार, मूवीज वगैरह के भी है। ऑसम है यार, तो नहीं सेम ये तो बॉम्बे में था ना मॉल, है ना? आ जाओ। हाँ यार, डोमिनोज भी है यहाँ पर, डोमिनोज भी है और वो बीकानेर वाला भी है। A few moments later. तो गाइज अपने मॉल से निकल गए कि हमें लगा कि बारिश बंद हो गई, और बंद हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई। तो अब हम दोनों भीगते हुए घर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं है, फिर भी इतनी बारिश है कि हम लोग मतलब इससे अच्छा तो हम मॉल में थोड़ा टाइम स्पेंड और कर लेते हैं, थोड़ा भीग गए हैं। चलो कोई नहीं, वैसे घर आने वाला है, पास में ही हम लोग, तो मिलते हैं आपको घर पे, जब तक बाय। तो हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, और कुछ काम से गए थे, वो सब मैं आपको घर जाके बताऊंगा। अभी बारिश हो रही है तो मैं, और वहाँ पर भी मैं ठीक से बता नहीं सका क्यों मैं वीडियो नहीं बना पाया वहाँ, ये सारी बात मैं घर पे जाके बताऊंगा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम कहाँ गए थे, बारिश में भीग गए, मॉल में चले गए, फिर घर आ गए। आप समझ नहीं पाए होंगे कि आज हुआ क्या है और ये कैसा व्लॉग इन्होंने किया। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी है इसके पीछे। मेरे पास एक कॉल आया आज दिन में कि वो कुछ प्रोडक्शन हाउस वाले
सामर से मिलना चाहते थे। उन्होंने मुझे बोला कि हम एक बार हमारे ऑफिस में आ जाइए। उन्होंने अपना ऑफिस का एड्रेस और अपना ये स्टूडियो का ऑफिस मुझे एड्रेस दिया, स्टूडियो का एड्रेस दिया, और उन्होंने मुझे बुलाया कि आप एक बार आके विजिट कर लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन कौन है, और उन्होंने अपने प्रोडक्शन का नाम बताया, और उन्होंने कहा कि हमें किसी ने रेकमेंड किया है समर्थ के लिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने समर्थ की एक 6 महीने पुरानी कोई पिक भी भेजी मुझे कि किसी ने रेकमेंड किया, मैं नहीं जानता, उन्होंने बताया भी नहीं। तो समर्थ की फ़ोटो थी वो मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने फॉरवर्ड किया, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा हाँ ये समर्थ है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारे ऑफिस में आके विजिट कीजिए। तो हम दोनों गए थे, समर्थ और मैं, आज इसकी मम्मा और बाकी कोई नहीं गया, हम दोनों ही गए थे बाइक पे। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने समर्थ को देखा, उसका लुक टेस्ट लिया, उसके फ़ोटो क्लिक किए। उसके बाद मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जब हम वहाँ गए तो ऑलरेडी एक मॉडल था वहाँ पर, जो बच्चा था समर्थ से थोड़ा छोटा था, लेकिन वो इतना प्रोफेशनल था, इतना अच्छे से वो शूट कर रहा था, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट टाइम है वहाँ पर, हमने तो अभी तक प्रिंट शूट किए नहीं है। और हाँ, वो प्रिंट शूट का स्टूडियो है, प्रिंट शूट होता है बस, वहाँ वीडियो शूटिंग का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करते हैं। और जब हम वहाँ गए तो एक बच्चा था, बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो शूट कर रहा था, तो हम देख रहे थे उसे। तो मैंने सामर से कहा भी, सामर देखो कितना अच्छा ये शूट कर रहा है बच्चा। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो जो भी उनका नया डिज़ाइन होता है, जैसे कि 2 पीस का या वेस्टर्न ड्रेस का या एथनिक ड्रेस का, जो भी उनका वो होता है, वो मॉडल को पहनाते हैं और उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं। आपने देखे भी होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़े शॉप में, अपना ड्रेस के साथ भी फ़ोटो आता है कि वो किस तरह का ड्रेस है। तो वो शूट था प्रिंट शूट, उसको प्रिंट शूट कहते हैं। तो वो शूट था, तो हमने थोड़ा बहुत सीखा समझा, और उन्होंने सामर्थ को पसंद किया, सामर्थ के लिए उन्होंने एक दो एडवाइस भी दी। और नेक्स्ट टाइम जो जब भी कोई शूट होगा 7 प्लस ईयर्स किड्स का जो भी शूट होगा, तो वो हमें कॉल करेंगे, हमें बुलाएंगे। तो हुआ ये, जब हम वहाँ से निकले तो बारिश हो गई, तो हमने उसी बिल्डिंग में मॉल में उसी बिल्डिंग में ही हम वापस मॉल में चले गए। और मॉल जाके हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, बारिश रुकने का वेट कर रहे थे। जैसे बारिश रुकी हम वहाँ से निकल गए, फिर दोबारा आप पका तो नहीं रहा यार मैं, तो बारिश रुकी तो हम वहाँ से निकले। बारिश रुकने के बाद थोड़े रस्ते चलने के बाद फिर बारिश हो गई, तो हम किसी तरह भीगते अपने घर आ गए। और घर आके हम ये आपको बता रहे हैं कि एक प्रोडक्शन हाउस ने हमें कॉल किया था समर्थ के रिगार्डिंग, और उसमें समर्थ का सिलेक्शन हुआ है। और वो जब भी 7 ईयर्स का कुछ भी प्रोजेक्ट उनके पास आएगा तो वो हमें कॉल करेंगे, वो दोबारा बुलाएंगे, और वो फ़ोटो क्लिक करेंगे और प्रोफेशनल तरीके से इसको समझाएंगे, सिखाएंगे भी। और ये काम अब हो सकता है कि ये 2 दिन में 4 दिन में हमें हर बार जाना ही पड़े बार, क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि अब हम दो तीन दिन में बार बार आपको बुलाएंगे। तो अगर जाना हुआ तो ब्लॉग में आपको दिखा सकता हूँ मैं, धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत तो दिखा दूंगा, मतलब जैसे मैंने आज चोरी छुपे एक वीडियो बना लिया था सामर्थ का, वो भी उन्होंने अपना ड्रेस, जब सामर्थ ने उनके कपड़े पहने हैं तो उन्होंने नहीं अलाउ किया वीडियो बनाना। और उस मॉडल का जब मैं वीडियो बना रहा था, जब भी उन्होंने मुझे मना किया कि आप वीडियो मत बनाइए, ये लीक हो जाएगा, तो ऐसा ही कॉपी करके कोई और ड्रेस बना देगा। बस यही बताना था आपको। तो ये बहुत लंबा ब्लॉग, ये मेरी स्पीच बहुत लंबी हो जाएगी, शायद आप लोग बोर हो जाएं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। और हाँ, अगर इस लाइन में हम लोग समझ में आया हमें और हमने कंटिन्यू किया, तो मैं और उन्हें बच्चों की ज़रूरत हुई और एज की, जैसे 2 साल के बच्चे की, 3 साल के बच्चे की या 6-7 साल के बच्चे की, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपने ब्लॉग में डालूंगा, उनके रिक्वायरमेंट हुई अगर, उन्होंने मुझे कहा तो मैं आपको डालूंगा। आप प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं कभी भी आपको बोल सकता हूँ कि आप अपने बच्चे का फ़ोटो भेजिए, हम मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आगे, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया है कि अगर आपके पास किसी और एज के बच्चे हों, मॉडल हों, तो हमें आप फोटो फॉरवर्ड कीजिए। तो ठीक है, तो हो सकता है कि मैं आगे ब्लॉग में कभी आपको बोलूँ कि आप अपने 5-6 साल के बच्चे का या 2-4 साल के बच्चे का वीडियो मुझे फॉरवर्ड कीजिए और मैं आगे रेकमेंड कर दूँगा। तो गाइज, बस मेरे को यही समझाना था आपको, आगे इस लाइन में क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे शूट पे जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, कुछ नहीं मालूम।
जो भी है हमने आपको बता दिया क्लियर, ठीक है सर। तो खत्म करते हैं इस ब्लॉग को, यहीं एंड करते हैं। अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।